क्या आपको पता है कि ये जो कॉइन है ये कॉइन 70 करोड़ रुपए में बिका था और ये जो बाइक है ये 82 करोड़ की है। और क्या आप कभी कुरकुरे लेज चीटोज ये सब खाए हो? खाया ही होगा। पर क्या आपको पता है कि अगर वही चीटोज लेज और कुरकुरे किसी यूनिक शेप में निकल जाए ना तो वो आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, क्योंकि एक बार एक चीटोज जो है ना वो बंदर का शेप का निकला था और वो 70 लाख रुपए में बिका था। दैट्स गजब। और क्या आपको पता है कि कॉमरेंट मिनेसोटा यूएसए में इस जगह में एक कुत्ते को एज अ मेयर यानी नगर प्रमुख चुना गया था। इस वीडियो में आप ऐसे गजब तथ्यों को जानोगे ना कि आपके मुंह से दो वर्ड निकलेगा, सुपर फैंटास्टिक ऑसम। क्या वीडियो है। फैक्ट नंबर 21, आपको पता है कि अगर आप अपने शर्ट या अपने कपड़े पर जूम करोगे, इस जगह पर मैं अगर जूम करूं तो ना टेक्सटाइल जो कपड़ा का है वो आपको बारीक से दिखेगा कि कैसे कपड़ा आपस में बुना हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कपड़ा का मैग्नीफाइड वर्जन है, ऐसे ऐसे गुथा हुआ रहता है तब जाके आपका शर्ट या कोई भी कपड़ा बनता है। तो ये देखो कंपैरिजन बिटवीन अ $90 शर्ट एंड अ $20 शर्ट। इसमें दो चीजों को कंपेयर किया गया है, मतलब एक 5000 रुपए का शर्ट का क्वालिटी कैसा बुना हुआ रहता है और जो एक 1000 रुपए का शर्ट या फिर 200-300 रुपए का शर्ट जो होता है वो कैसा बुना हुआ रहता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए ना महंगा शर्ट महंगा होता है। फैक्ट नंबर 20, तो चेक रिपब्लिक ये जो कंट्री है यहाँ पर एक यूनिक सा काम किया गया जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं किया गया। आप शैम्पू खरीदते होंगे मार्केट से, शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज जो कि बॉटल में आती होगी और जब आप यूज कर लेते हो शैम्पू को तो ये जो बॉटल होता है उसे आप फेंक देते हो कचड़े में और इससे पॉल्यूशन बढ़ता है, हम लोग सबको पता है। तो वहां पर कस्टमर को रिफिल सर्विसेज दिया गया पूरे कंट्री में ताकि उसी बॉटल में वो लोग वापस शैम्पू या कुछ भी भर ले और रीयूज कर सके, जस्ट लाइक हम लोग पानी भरते हैं बॉटल में ताकि वेस्ट ना हो और बहुत सारा प्लास्टिक का यूज ना हो। मेरे ख्याल से ये चीज इंडिया में भी होनी चाहिए पर गवर्नमेंट को ऐसे आइडियाज आएंगे तभी ना। मतलब कंपनीज को रिफिल सर्विसेज देना चाहिए ताकि प्लास्टिक वेस्ट ना हो। और आपको ये पता ही होगा कि प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ढीठ होता है, वो जल्दी घुलता नहीं है नेचर में, वो नेचर के खिलाफ होता है काइंड ऑफ। तो ये एक बहुत ही मस्त आइडिया है जो कि सिर्फ इसी कंट्री में पूरे दुनिया में अभी किया गया है। फैक्ट नंबर 19, आपको ये पता है ना कि जो न्यूज में आता है कि साइंटिस्ट ने आज ये किया, साइंटिस्ट ने आज वो किया, ये सब तो पब्लिक को जो बताया जाता है वो हम लोग सुनते हैं, पर साइंटिस्ट ऐसे बहुत सारे सीक्रेट साइंटिस्ट होते हैं ना जो कि ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं इसका आपको कोई भनक नहीं होता। तो ऐसे कई पगले साइंटिस्ट भी है ना जो कि गजब गजब चीजें करते हैं। साल 2001 में एक डॉक्टर ने एक ऐसा पोषण बनाने की कोशिश किया जो कि पीने के बाद अगर किसी को गोली लगे तो उससे उसके शरीर में कोई असर ना हो, ठीक है। ये वो डॉक्टर बना रहा था, तभी बनाते टाइम ही जब वो ऐसे कुछ ट्रायल या ऐसा कुछ कर रहा था तो उसका एक दोस्त था जो कि उस पर बहुत भरोसा करता था कि ये निकाल ही लेगा। तो क्या किया कि बिना बोले उसको साला गोली चला दिया ये टेस्ट करने के लिए कि ये पोषण काम कर रहा है कि नहीं, ये मैजिकल पोषण। ये घैनियन इंसान था, घैना एक कंट्री है अफ्रीका में, वहीं की बात है ये। और इस अजीब से इंसिडेंट का बीबीसी आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पढ़ भी सकते हो। फैक्ट नंबर 18, आप चीटोस खाई होंगे, आपको पता है मैंने शुरू में बताया। तो ये चीटोस देखो, ये जो है ये गोरिला के शेप का चीटोस है और ये ईबे पर 70 लाख रुपए में बिका था, लगभग $1 लाख में। पता नहीं कौन इसे खरीदा होगा पर जो खरीदा होगा ना उसे मैं एक चीज कहूंगा, पता नहीं क्या कहूंगा, मतलब WTF, what the fact man। फैक्ट नंबर 17, एक रोबोट था, इंसान के अंदर कितना काइंडनेस है ये टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कितना दया है इंसानों के अंदर। एक चलता फिरता रोबोट को नॉर्मल जगह पर पब्लिक में छोड़ दिया गया और उसे बनाने वालों ने ये कहा कि ये स्ट्रेंजर्स के दया पर निर्भर करता है कि लोग इसे कैसे ट्रीट करते हैं इस रोबोट को। तो इस एक्सपेरिमेंट के जस्ट 2 हफ्ते बाद इसका सर कटा हुआ, हाथ उधर टूटा हुआ, ऐसी हालत में ये पाया गया। इस चाइल्ड साइज्ड रोबोट का नाम था हिचबॉट और इसे ऐसी हालत में पाया गया कि ये रिपेयरेबल भी नहीं था। तो ये था ये अमेजिंग सा वियर्ड सा एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रोबोट। इससे रिलेटेड भी आप बहुत सारे आर्टिकल्स को देख सकते हो इस हिचबॉट HITCHBOT के बारे में।
फैक्ट नंबर 16, आप दुबई का अक्सर ऐसा इमेज देखते होंगे और आपको मतलब लगता होगा कि ये ऐसे कैसे, मतलब बादल, क्या ये बिल्डिंग्स बादल को फाड़ लेती है 10 किलोमीटर ऊपर का बिल्डिंग? तो नहीं 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 नहीं, इस इमेज का ये एक्सप्लेनेशन है ना कि ये बिल्डिंग बादल तक नहीं है, बादल को फाड़ नहीं रही है, क्योंकि बादल बहुत ऊपर होता है, उतना लंबा कोई बिल्डिंग नहीं होता है, वो तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट है जो कि बादल को टच करता है। तो बात यह है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉग है, ठंडे के मौसम का सुबह सुबह का पिक्चर है। और जब शहर में फॉग होता है तब लगता है कि ये बिल्डिंग्स बादल में डूबे हुए हैं। दुबई सच में अमेजिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और उसी से रिलेटेड आप इस प्लेन के इमेज को देखो, प्लेन से ये वाला लिया गया था, तो आपको लग रहा होगा कि ये बादल है, नहीं ये फॉग है। अर्ली मॉर्निंग जब ह्यूज फॉग होता है ना, तब दुबई में कुछ ऐसा व्यू मिलता है प्लेन से। तो ये था इस इमेज का एक्सप्लेनेशन। फैक्ट नंबर 15, मैंने आपको एक बार बताया था कि न्यूजीलैंड या कहां पे कुत्तों को ड्राइविंग सिखाया जा रहा है। उस टाइम मैंने ये कहा था कि हर कुत्ते का दिन आता है और आएगा। तो आज एक फिर फैक्ट सुन लो कि ये ड्यूक नाम का कुत्ता कॉमरेंट नाम के जगह का मेयर बना। पता है ड्यूक कुत्ता एनुअल इलेक्शन जीता इस मेयरशिप का। और independent.co.uk का ये आर्टिकल देखो, डॉग इलेक्टेड मेयर इन मिनिसोटा टाउन ऑफ कॉमरेंट फॉर थर्ड टाइम इन अ रो, मतलब लगातार तीसरी बार। That's गजब। फैक्ट नंबर 14, आप क्या इस बात से अवेयर हो कि जो पुराने याद है ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, आपके फैमिली में आपके दादाजी, पर दादा या दादी जी का कोई ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जरूर होगा, तो आप चाहो ना तो उसे कलर कर सकते हो। पता है आज टेक्नोलॉजी ऐसी निकल गई है, ये पॉसिबल है कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर में बदला गया है। जो एडिटिंग टूल्स होते हैं ना फोटोशॉप, उसी का जो मास्टर होगा वो ये कर पाएगा। और यहाँ तक पुराने वीडियोस को भी कलर में बदला जा सकता है। Awesome. Fact number 13, डोमिनोज के बारे में आपने क्या कभी सुना है? सुना ही होगा ऑफ कोर्स, पापा जोन्स पिज्जा कंपनी है। तो 2011 में एक घटना हुई थी, डोमिनोज के मैनेजर ना पापा जोन्स के एक स्टोर में जाके जानबूझकर आग लगा दिए थे। पता है जस्ट कि उस दिन डोमिनोज का सेल बढ़ जाए, वहाँ आग लगाए इसीलिए। जी हाँ, ये असल घटना है, इसका भी आर्टिकल्स आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे। मतलब प्रॉफिट के लिए कुछ भी, हाँ कुछ भी, आग लगा देने का, मार देने का, काट देने का। फैक्ट नंबर 12, एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस टेकिंग। इसका मतलब ये होता है ना कि आप, मतलब ध्यान सुनो, कोई मूवी आप देख कर निकले और आपको कैरेक्टर जैसा बनने का मन कर रहा है, तो ये क्या है ना कि ऐसे बहुत कोई होते हैं ना जो कि एक कैरेक्टर को देखने के बाद उसका स्टाइल टेम्प्रोरी भी आजमाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो कि परमानेंट जिंदगी भर के लिए अपने आप को वैसा ही बना देते हैं। बहुत कोई उस कैरेक्टर को अपने लाइफ टाइम में एक परमानेंट चेंज की तरह अप्लाई कर देते हैं और पूरी लाइफ भर उसी के एक्सप्रेशन में रहते हैं हमेशा। मतलब नॉर्मल को ऐसे रहेगा तो वो देखने के बाद उसका उसका स्टाइल ऐसे हो जाएगा, और वैसे ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू नो। इस चीज को एक्सपीरियंस टेकिंग कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट मूवीज होता है, मूवीज और टीवी सीरीज। जैसे धूम देखने के बाद चोरी करने का मन करेगा, KGF देखने के बाद गुंडा बनने का मन करेगा, इसी चीज को कहते हैं एक्सपीरियंस टेकिंग। और हम लोग मूवीज से बहुत कुछ सीख लेते हैं, उल्टा फुल्टा भी और अच्छा चीज भी। तो इसलिए हम लोग अपना इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए कि क्या लेना है क्या नहीं, नहीं तो बहुत कुछ सिखा जाएगी आपको, यू नो। फैक्ट नंबर 11, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कॉइन का ये लिस्ट देखो, फ्लावरिंग हेयर डॉलर, ये बिका था $10 million में। फिर उसके बाद नीचे आता है सेंट गॉर्डन्स डबल ईगल, ये बिका था $7 million में, मतलब करीब 50 करोड़ रुपए में। और ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि हिस्टोरिक चीजों की वैल्यू कितनी है। अगर आपके घर में कोई कॉइन है या फिर कोई भी एंटीक चीज है, तो आप उसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हो। फैक्ट नंबर 10, आप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाले फनी वीडियोस देखे हो, कि मतलब आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि मैं घूमने जाऊंगा तो ऐसा व्यू मिलेगा, और रियलिटी में सूखे पत्ते देखने मिलते हैं। तो ऐसे ही चीज ना पेरिस में बहुत होता है। और जो जापानीज एम्बेसी है पेरिस में, वो 24 घंटे एक नंबर हॉटलाइन रखी है उन जापानीज विजिटर्स के लिए जो कि पेरिस में आते हैं और देखते हैं कि पेरिस मैंने इतना जो सोचा था उससे कम सुंदर निकला। तो इससे वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। उसी के लिए 24 घंटे का हॉटलाइन, सिर्फ उसी के लिए 24 घंटे का हॉटलाइन वहाँ के, मतलब पेरिस के जापानीज एम्बेसी जापानीज सेंटर में रखा गया है। मतलब सोच सकते हो कि मतलब ऐसा कैसे गजब बात है। मतलब सोचता है पेरिस ऐसा होगा, जाएगा तो सिर्फ आईफिल टावर मिलेगा बस।
फैक्ट नंबर 9, स्टडीज ये शो करती है ना कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ के बारे में सोचते हो कि मैं ये करूंगा, उसमें से कुछ कुछ करते भी हो, कुछ कुछ करके खुश होते हो और उसमें से कुछ कुछ करके पछताते हो। पर बात यह है ना कि स्टडीज के हिसाब से जो रिग्रेट होता है ना, पछतावा, वो तब होता है जब आप किसी चीज को सोचते हो पर करते नहीं हो। मतलब स्टडीज शोज दैट पीपल आर फार मोर लाइकली टू रिग्रेट थिंग्स दे हैवंट डन देन थिंग्स दे हैव डन। मतलब अगर आप कुछ करके पछताते हो वो तो ठीक है, पर उससे ज्यादा पछतावा तब होता है जब आप किसी चीज को करते नहीं हो। मतलब सिंपल बात यह है कि जो दिमाग में आए उसे एक बार ट्राई जरूर करो। करके पछताओगे वो चलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो वो और ज्यादा वाला पछतावा होगा। फैक्ट नंबर 8, इस डेटा को देखो। डेट है May 12, 2010, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में ये किया गया था। और इस रिसर्च में ये पता चला कि जो आपके मम्मी की वॉइस है ना, वो आपके लिए हग का काम करती है। गले मिलने पर जो फीलिंग आता है उसका काम सिर्फ आप अपने मम्मी के वॉइस को सुनोगे उससे मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट में मम्मी के कॉल का जो साइंटिफिक इफेक्ट होता है बॉडी में, उसे मेजर किया गया था। तो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेस को कम करने वाला हार्मोन निकला और नर्व पूरा काल्म हो गया, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। तो ये देखो कितनी अच्छी चीज है, कितनी डीप चीज है मम्मी की वॉइस। क्योंकि आप बचपन से, जिस दिन से पैदा हुए तब से आज तक सुन रहे हो, तो वो वॉइस आपके लिए बहुत स्पेशल है। जब भी वीडियो खत्म होगा ना, तब जाकर मम्मी को बोलना, मम्मी कुछ बोलो तो, और ध्यान से सुनना। और इससे रिलेटेड और एक ये फैक्ट है कि जो फिजिकल टच होता है वो आपको हेल्दियर बनाता है। जैसे हग करना, हैंड को होल्ड करना, ये जो चीजें होती है ना, ये बॉडी एज अ पॉजिटिव चीज देखती है और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। फैक्ट नंबर 7, जोनाथन क्विनोनेस, ये जो है ये बहुत ही एंथुसियास्ट ट्रैवलर है। मतलब एकदम पागल वाला ट्रैवलर, हर जगह घूमने का शौक है इनको। और क्या है ना कि इनकी मम्मी जो है वो इनकी बहुत ही ज्यादा चिंता करती है, तो इन्होंने एक बहुत ही अटपटा सा काम किया। इनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिनका नाम है मॉम आई एम फाइन, मतलब मम्मी मैं ठीक हूँ। और इस अकाउंट में इनका जो पिक आप देख सकते हो, हर एक फोटो में यही कहते हैं ये कि मॉम आई एम फाइन, चिंता मत करो मम्मी मैं ठीक हूँ। और सारे इमेजेस में ये यही दिखाया है। मतलब घूमने का फोटो तो दिखाते ही है, पर हर इमेज में एक मैसेज होता है कि मॉम आई एम फाइन। और इनके ऑलमोस्ट सारे इमेज में यही मैसेज है, मॉम आई एम फाइन। वही टिपिकल मम्मी की चिंता, यू नो। और इनका मैं लेटेस्ट पोस्ट देख रहा था तो इनकी मम्मी भी रिप्लाई की, सन आई एम फाइन। मतलब ये एक बहुत ही अजीब सा काम किए और क्यूट सा काम किए। फैक्ट नंबर 6, जो ये हाथ फोड़ने का काम होता है ये वाला, तो बहुत कोई कहते हैं कि ये करने से हाथ का जो ये होता है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर आर्थराइटिस हो जाता है, ऐसा कोई मिथ है बहुत सारा। पर साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल हर्टलेस चीज, हर्टलेस तो साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल हार्मलेस चीज है। और यहाँ पर ना गैस बबल, यहाँ पर गैस ट्रैप्ड रहता है अंदर, तो जब आप ये करते हो, नहीं बज रहा है ना, वो नहीं बजता, 5 मिनट लगेगा फिर बजेगा। तो जो वो होता है वो गैस बबल फटता है, वो बबल बर्स्ट होता है, इसलिए आवाज करता है। फैक्ट नंबर 5, बेन एंड जेरी, ये जो आइसक्रीम कंपनी है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारा फैक्ट बताया है। जैसे ये आइसक्रीम कंपनी का जो आइसक्रीम बंद हो जाता है, जो अब आगे सेल नहीं होता है, उसका एक अलग ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान रखते हैं ये लोग। बहुत मस्त मस्त चीज करते हैं। तो और एक मस्त चीज ये करते हैं कि इनके जो काऊ होते हैं जिससे दूध निकलता है और उससे आइसक्रीम बनता है, उन काऊ को ये लोग रेगुलर मसाज करते हैं, पता है। बहुत ही एथिकल तरीका से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग इनको ट्रीट करते हैं और इस चीज के लिए ये कंपनी फेमस है, जो कि कितनी अच्छी बात है, यू नो। फैक्ट नंबर 4, 1992 का जो ओलंपिक US बास्केटबॉल टीम था, इसका नाम था द ड्रीम टीम और इसे द मोस्ट डोमिनेंट स्क्वाड एवर असेंबल्ड इन एनी स्पोर्ट कहा जाता है। मतलब मान लो कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, ये सब बड़े बड़े स्टार मिलकर एक ही मूवी में रहे, तो कैसा फील होगा। तो ऐसे ही टाइप का कुछ था इस टीम में। इसके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज में आप मैजिक जॉनसन के एक डायलॉग को देख सकते हो, जो कि पब्लिक में ये बोले थे कि बास्केटबॉल खेलते समय जब मैं दाएं देखता था तो माइकल जॉर्डन खड़े रहते थे, मैं बाएं देखता था तो चार्ल्स बार्कले खड़े रहते थे या फिर आगे लैरी बर्ड खड़े रहते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किसको बॉल फेंकूं, सब महारथी लोग, किसको फेंकूं, आई डोंट नो हु टू थ्रो द बॉल टू। तो ऐसा हाल था द ड्रीम टीम, 1992 ओलंपिक US बास्केटबॉल ड्रीम टीम।
फैक्ट नंबर थ्री, आपको पता है सबसे बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? वो जो होता है ना दिमाग का बत्ती जलना, वो कब होता है? वो तब होता है जब आपका दिमाग शांत रहता है। साइंटिस्ट्स बहुत सारे रिसर्चर्स से ये बताए हैं कि जो यूरेका मोमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ भी इंटरेस्टिंग थॉट आना, वो आप वॉक कर रहे होते हो ऐसे ही बिना कुछ सोचे तब आता है, या फिर आप नहा रहे होते हो, शावर ले रहे होते हो, तब बहुत बहुत मस्त बात ख्याल में आता है, या फिर गार्डनिंग कर रहे होते हो तब आता है, क्योंकि आपका माइंड हजार चीजों के बदले एक ही जगह पर रहता है। इसीलिए जब आप शावर ले रहे होते तब अचानक कुछ अच्छा आइडिया आना, ये सब। तो मैं आपको फोर्स तो नहीं करूंगा, पर आप अगर 5 मिनट एक जगह बैठ के मेडिटेशन करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया या फिर पॉजिटिव इनसाइट जरूर आएगा आपके दिमाग में। ये साइंटिस्ट दिमाग के ब्रेन वेव को रीड करके बहुत रिसर्चेस में पता किए हैं, फैक्ट नंबर टू, इस इमेज को देखो। इस इमेज से आपको क्या समझ आता है? मतलब देखो, वो पीछे है बाकी लोगों से और बाकी लोग आगे हैं, पर इसका मतलब देखो वो अचानक से आगे चल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अगर आप इस क्रिएटिव इमेज को देखो तो आप समझ जाओगे कि अगर आप लाइफ में किसी चीज में लेट हो गए हो, मतलब आप करना चाहते थे पर उस काम को कर नहीं पाए, तो डिसअपॉइंट होने के बदले, ये बोलने के बदले कि मैं लेट हो गया, हो सकता है कि आप अभी करो तो उससे कुछ बड़ा कर जाओ, आगे निकल जाओ। सो लेट होना मतलब फेलियर नहीं होता, उसका मतलब आप और भी बड़े ग्रेट लॉन्च की तैयारी कर रहे हो। डीप इमेज है। फैक्ट नंबर वन के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर वन, दुनिया की सबसे महंगी बाइक्स किस हद तक जा सकती है? हम लोग सुने हैं कि ये लैम्बोर्गिनी 6 करोड़ की कार है, पर उससे महंगी बाइक आती है ब्रोस। देखो फ्रेंड्स, ये है द हम्बल रिच का आर्टिकल, दुनिया की सबसे महंगी बाइक की लिस्ट। नंबर 10 पे है डुकाटी कंपनी का टेस्टा स्ट्रेटा एनसीआर मशिया नेरा। इसका प्राइस है $225,000, मतलब करीब 1.5 करोड़ रुपए। फिर आता है डुकाटी कंपनी का डेस मोसडीसी D16RR NCR M16, इसका प्राइस है 1,70,00,000 रुपए। फिर आता है एकोसे FETI XX टाइटेनियम, ये आता है 2,10,00,000 रुपए। सस्ता ही है क्या, ले लेना मस्त। फिर आता है नंबर 7 में डॉज टोमाहॉक V10 सुपर बाइक, ये आता है 4,20,00,000 रुपए। फिर आता है हार्ले डेविडसन कॉमिक स्टारशिप, ये आता है 10,00,00,000 रुपए में। वाव। फिर आता है BMS नेमेसिस, इसका प्राइस है 22,00,00,000 रुपए। बाप रे, इतना बड़ा टायर। फिर आता है हिल्डे ब्रांड एंड वुल्फ मुलर, ये है 26,00,00,000 रुपए का। सारा साइकिल है क्या, बाइक है वे। फिर आता है स्कोसे ES1 स्पिरिट, 3.6 मिलियन, मतलब 26,70,00,000 रुपए। फिर आता है 1949 E90 AJS पोर्क्यूपाइन, ये भी कुछ अजीब लग रहा है मेरे को, मतलब इसमें कई आगे क्या दिया हुआ, छन्नी दिया हुआ क्या चाय नापने के लिए, मतलब चाय को छनने के लिए। इसका प्राइस है 50,00,00,000 रुपए। फिर नंबर 1 पे है नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, इसका प्राइस है 82,00,00,000 रुपए, $11 मिलियन। एक मिनट से देखो तो ध्यान से, क्या है ये? पहले ये बताओ कि सीट किधर है इसमें, कहां है सीट? यहां आगे, यहां पर हल जाएगा नीचे, साला कहाँ बैठेगा आदमी? ये बीच में तोप जैसा कुछ दे दिया है। सीट यहाँ पे है, यहाँ देखो, इसमें तो मेरे ख्याल से एक ही इंसान बैठ पाएगा, तो खाली एक इंसान के लिए 82,00,00,000 रुपए देंगे, गज्जब हाल है रे। और नीचे ये क्या दिया हुआ, ये इंडस्ट्रियल, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया बाइक को। सही है, जिसको लेना है वो लेगा, मैं तो नहीं लेने वाला। वीडियो लाइक जरूर करना, और सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जाकर कर लो, इनके लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, isn't it?